आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। तो आज हम देखेंगे कि नर्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उसकी उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि उसका एक गोल क्या होता है, या नर्सिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका कोई ना कोई गोल होता होगा ना, या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके बेस पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। पहला हमारा इसमें देखते हैं कि नर्सिंग इज़ नॉट ओनली एन आर्ट। नर्सिंग केवल आर्ट नहीं है, इसको हम केवल आर्ट नहीं बोल सकते हैं। इसके अंदर आता है विच प्रोवाइड्स स्किलफुल केयर फॉर द सिक, यानी कि एक आर्ट के साथ साथ एक नर्सिंग प्रोफेशनल्स के अंदर एक स्किल होना चाहिए, नर्सिंग से रिलेटेड स्किल उनके अंदर डेवलप होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर सर्विसेज या केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। साथ में उनके अंदर ये भी एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें, वो पेशेंट और नर्सिंग प्रोफेशनल के बीच में, या उनके साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, या वो अगर कम्युनिटी लेवल पे वर्क कर रही हैं तो वहाँ के लोगों से वो किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हैं ताकि वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएँ। और साथ ही साथ उनको क्या करना है, उनके साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं यानी कि मेडिकल स्टाफ्स हो गए और फार्माकोलॉजिस्ट हो गए या पैथोलॉजिस्ट हो गए, मतलब ये सारे जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हो गए जो उनके साथ वर्क करते हैं, सीनियर डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, उन सब के साथ एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है ताकि बेटर केयर पेशेंट को मिल सके और बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस नर्सिंग कवर्स नॉट ओनली द केयर ऑफ सिक। अगर हम बड़े तौर पे देखें तो क्या कह सकते हैं कि नर्सिंग केवल केयर सिक के लिए, यानी कि जो बीमार पीपल हैं या इंडिविजुअल हैं या पेशेंट हैं उनका केवल केयर प्रोवाइड करना ही नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो क्या कर सकती हैं, जो एज्ड पीपल होते हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं उनको भी वो केयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे हॉस्पिस केयर सेंटर में, इन सब जगहों पे, ओल्ड एज होम में, ऐसे जगहों पे क्या करती है, नर्सिंग पर्सनल्स जो भी होते हैं वो उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। साथ में जो हेल्पलेस होते हैं या जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनको भी केयर प्रोवाइड करती हैं, बट ऑल्सो केयर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। और उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, इलनेस को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करती हैं और उसके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और प्लस में हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अगर कोई इंसान हेल्दी है उसके बावजूद भी उसके हेल्थ को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, ये कौन राय देता है या इसके बारे में कौन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स या पर्सनल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग। आखिर नर्सिंग के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने तो मोटे तौर पे देख लिया बड़े तौर पे कि हाँ नर्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो किस किस को केयर प्रोवाइड करती हैं और क्या क्या केयर प्रोवाइड करती हैं। पहला इसमें हमारा आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव में, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग इंटरवेंशन। जो भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केयर को प्रोवाइड करने के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं ना, तो इंटरवेंशन तैयार करते हैं। उस इंटरवेंशन को तैयार करते समय हमें एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल्स ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हुए उस प्लानिंग को हम या उस इंटरवेंशन को तैयार करें ताकि जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको बेहतर केयर मिल सके और प्रॉपर केयर, एप्रोप्रिएट केयर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम नर्सिंग नेचुरल साइंसेज एंड जनरल एजुकेशन कोर्सेज एज ए सोर्स फॉर मेकिंग डिसीजन इन नर्सिंग। उनके साथ साथ और क्या करना है कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है। जब कभी भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं या उनके लिए जो भी हम इंटरवेंशंस तैयार करते हैं उनके केयर के लिए, तो उस समय हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का या साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है जो कि नर्सिंग को और ज़्यादा फॉर्मुलेट करें और ज़्यादा बेहतर बनाएं। उसके साथ साथ नर्सिंग प्रोफेशनल्स के अंदर नेचुरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे उनको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड या अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेस पे वो क्या कर सके, बेहतर डिसीजन ले सके किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर केयर देने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ उनके अंदर जनरल एजुकेशन भी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस रहेगा और प्लस में उनको अप टू डेट होने चाहिए। डे बाय डे बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, बहुत सारे इवोल्यूशंस होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं, जिसके साथ साथ हमें अप टू डेट रहना चाहिए ताकि हम किसी भी क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बेटर डिसीजन ले सकें। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, यूज द नर्सिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हेल्थ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हुए किसी भी क्लाइंट या किसी भी इंडिविजुअल के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है। नेक्स्ट ग्रुप्स के पोटेंशियल या एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज के एबिलिटीज या उनकी पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना है एंड टू मीट देयर हेल्थ नीड्स। और उसके बेस पे हमें क्या करना है, अगर हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला, हम अगर किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, अगर हमें पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों का पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी उनके अंदर इतना अच्छा नहीं है, उनको कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज से वो सफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस लेवल पे इनको केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है या इस लेवल पे हमें इन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उनकी पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन और कल्चर इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। इसमें कहता है, ये इस ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो किसी भी क्लाइंट को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो वो कैसा सर्विसेज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव केयर होना चाहिए, यानी कि वो उसमें किसी भी तरह का कमी नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट केयर होना चाहिए। अगर हम ऐसे देखें तो कंप्लीट केयर हमें प्रोवाइड करना है। यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमें उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना है कि नहीं इनका एज ऐसा है तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनके इस तरह का बीमारी है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके रेस, सेक्स या रिलीजन, इन सब को हमें ध्यान में नहीं देना है। हमको बस इस नज़रिए से देखना है कि वो हमारे लिए एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनको केयर प्रोवाइड करें। उसके अलावे वो क्या हैं, उनका सोसाइटी में क्या पोजीशंस हैं, उनकी रेस क्या है, सेक्स क्या है, रिलीजन क्या है, इन सब चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ नर्सिंग। हमें क्या करना है, जो भी कम्युनिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब का यूज करते हुए नर्सिंग को और बेहतर बनाना है, या जो हमारा गोल्स है, अगर हमारा गोल्स है कि किसी खास कम्युनिटी लेवल पे हमें किसी कम्युनिकेबल डिजीज को इरेडिकेट करना है या वहाँ के लोगों से उस चीज़ को ख़त्म करना है कम्युनिकेबल डिजीज को, तो हमारा ये होना चाहिए कि उस कम्युनिटी में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, मैन पावर से लेकर के इक्विपमेंट से लेकर के या जो भी सप्लाईज हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से, उन सब का यूज करते हुए हमें क्या करना है, वहाँ पे लोगों को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है या सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अज्यूम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेड एंड एक्शन टेकन रिलेटेड टू नर्सिंग इंटरवेंशन। हमें क्या करना है, ऐसा अज्यूम करना है कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए इंडिविजुअल, मतलब जैसे कोई अगर क्लाइंट आ रहा है हमारे पास तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, एक्शन लेना है ताकि हम प्रॉपर इंटरवेंशन तैयार कर सकें उसके केयर के लिए, यानी कि प्रॉपर हम प्लानिंग कर सकें कि हम उसको कैसा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डील किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग के बारे में डील किया, जिसमें हमने देखा कि नर्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये केवल आर्ट नहीं होता है, इसके साथ साथ इसमें नर्सिंग प्रोफेशनल्स के अंदर स्किल्स होने चाहिए ताकि वो बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकें, और उसके साथ साथ उनमें क्या होनी चाहिए, नेचुरल साइंस और जनरल नॉलेज की भी, जनरल एजुकेशन भी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सकें, किसको, क्लाइंट को या पेशेंट को। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप और अभी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप बेहतर नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।